Yes, in previous video we had this expression, this mu r is equals to 1 plus chi. This is relative permeability. When you had a solenoid and you put a material into that, आप याद करिए कि जब हम सोलेनाइड को करंट दिया करते थे किसी बैटरी के थ्रू या फिर किसी सोर्स के थ्रू, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता था. किसमें? सोलेनाइड में. उसके कारण क्या जनरेट होता था? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? मटेरियल को. मटेरियल में ऐसा क्या है? मटेरियल में क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट है. और हमको मैग्नेटाइजेशन एक्स्ट्रा कब मिलेगा? जब वो मैग्नेटिक मोमेंट किसका? मटेरियल का क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगा. किसके अलोंग? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अलोंग, जो हम दे रहे हैं किसके थ्रू? सोलेनोइड के थ्रू. समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको यहां तक खींच के लाई थी कि म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई, एक एक्सप्रेशन हमको मिला था. तो अब इसको समझते हैं कि इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है और हम इसको कहां कहां यूज करेंगे मटेरियल के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए. तो ये ध्यान रखिए, दिस इज साइज ऑफ ससेप्टिबिलिटी. हमको ये बताता है कि आपका मटेरियल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए कितना ससेप्टिबल है, कितना वो अपने अंदर से मैग्नेटिक मोमेंट्स को अलाइन होने दे रहा है. दैट शोज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबल है ना, समझ रहे हो. और म्यू आर इज अ रिलेटिव परमिएबिलिटी, मतलब कि आप यदि मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रहे हो तो कितना वो मैग्नेटाइज उसमें हो रहा है. ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट. सो there are basically three kind of materials being classified, that is paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic. clear? to is expression mein aap is jo psi ki value hai wo teenon ke liye alag alag hai. jaise paramagnetic ke case mein this chi m is zero se bada hoga, lekin kisi epsilon value, epsilon suppose can be 1, epsilon can be 1, all right. तो दिस साई वैल्यू फॉर अ मटेरियल विल बी लेस देन एनी एप्सिलॉन वैल्यू, दैट इज 1, लेट अस सपोज 1, एंड विल बी ग्रेटर देन 0. मतलब कि इसमें जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, किस केस में? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो अलाइन हो रहे हैं किसके डायरेक्शन में? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में. लेकिन उनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स की जो क्वांटिटी है जो अलाइन हो रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी लेस. ठीक है, तो आपको जो नेट मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है. नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलती थी अपने को? B इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम. ये बी एम किसकी वजह से था? मटेरियल की वजह से. मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो रहा था, ये तो जो आप दे रहे हो वो तो रहेगा ही, मतलब कि मटेरियल के मैग्नेटाइज होने के कारण, जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा था. जैसे तो लेकिन ये जो इसकी वैल्यू है बीएम की, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है मटेरियल के कारण, दैट इज लेस इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. बट दिस वैल्यू फॉर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक चीज और बता दूं, दिस इज नेगेटिव फॉर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम टेलिंग यू व्हाई इट इज नेगेटिव, है ना. तो आप ध्यान रखिएगा कि इस केस में क्या होगा, जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रहे हो किसी भी मटेरियल को, तो वो क्या करेगा? उसको उसको अपने अंदर से जाने दे, मतलब कि बहुत कम ही जाने देगा. समझ रहे हो आप? मतलब कि वो जो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा था किसके कारण? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कारण. वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होने लगा. जो पहले इस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा था वो क्या होने लगा? इस डायरेक्शन में अलाइन होने लगा किसी मटेरियल में. ठीक है, तो यदि आप इसको किसी सोलेनोइड के अंदर रखे हुए हो किसी मटेरियल को, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है किसके केस में? डायमैग्नेटिक के केस में. ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस डायरेक्शन में अलाइन होने की जगह में किस डायरेक्शन में अलाइन होने लगा? अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो क्या हो गया? जो नेट मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट प्लस बी एम, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. क्या हो गया? नेगेटिव. जब ये नेगेटिव हो गया तो जो अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा. सपोज के लिए ये 100 था और ये क्या था? 20. लेकिन किसमें हो गया? माइनस में. तो कितना हुआ? 80 हो गया ना. 100 आपने दिया, मिला कितना? 80, है ना. तो क्या हो गया? हम क्या बोलेंगे? मटेरियल क्या हो गया? मटेरियल में ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट हो गई जो कि इस फील्ड को जो हम दे रहे हैं उसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई? बिकॉज ऑफ अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन, this is going to decrease the total magnetic field of the substance, ठीक है, किसी भी मटेरियल के अंदर.
तो हमको वो ऐसा कौन सा मटेरियल है जो ऐसा काम करता है, दैट इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सर आप तो एक चीज और बता रहे हो, ये फेरोमैग्नेटिक क्या है, इसमें कुछ अलग प्रॉपर्टी है क्या? यस यस देयर इज अ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी इट हैज। दिस काईएम वैल्यू एज वेन यू कंपेयर दिस काईएम साईएम व्हाटएवर दैट इज साईएम एंड दिस साईएम, यू कैन रियली विजुलाइज दिस थिंग दैट यस इट हैज नेगेटिव वैल्यू क्योंकि जीरो से लेस है। इसका कुछ वैल्यू क्या है कि लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन इट्स वेरी लेस देन सी एप्सिलॉन वैल्यू, एप्सिलॉन कैन बी योर वन, ऑलराइट व्हाटएवर यू कंसीडर। लेकिन इसका केस टोटली डिफरेंट है। ऐसा क्या है इसमें, इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, यहां पे यदि आपने किसी भी सोलेनॉइड के अंदर क्या डाला है, कोई मटेरियल डाला है जिसका बिहेवियर समथिंग किसके जैसे है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यदि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा वो दैट इज गोइंग टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यदि वो डायरेक्शन मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में चला गया तो ये जो वैल्यू है this BM value because of the material's property, this is going to add up with this magnetizing field, जो आप magnetizing जो magnetic field आप provide कर रहे हो किसी भी material को, उसमें क्या हो जाएगा, ये add up हो जाएगा। लेकिन इसका जो value होगा, suppose करिए इसके case में क्या था, 100 इसको लिया था, 20 इसको लिया था, ठीक है, लेकिन इसके case में something 100 ये होगा और 60, 70 ये हो सकता है ना, लेकिन उतना कम नहीं होगा जैसे 10-20 इस तरीके से नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं समझने के लिए सर, है ना। तो दिस बीएम वैल्यू इज गोइंग टू फर्दर इंक्रीज। आपके ये जो काइंड ये क्या बता रहा है कि बहुत ज्यादा ससेप्टिबल है आपका जो मटेरियल है, बहुत ज्यादा ससेप्टिबल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड जो आप प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस साई एम वैल्यू इज मच मच ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज अ कांस्टेंट, ऑलराइट। सो आपको इतना समझ में आ गया कि इस साई का मतलब क्या है, साई का मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, जो कि क्या करेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। तो ये इसका रिलेशन तो परमेबिलिटी से भी है, रिलेटिव परमेबिलिटी से। तो आप यदि इसकी वैल्यू आपको पता चली, सपोज के लिए इसकी वैल्यू क्या है, सपोज के लिए 0.53 है, क्योंकि हमने एप्सिलॉन को क्या माना है, 1 मान लिया है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है किसके बीच में लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसका हो सकता है वैल्यू क्या हो, 0.53 हो, 0.56 हो, व्हाटएवर दैट इज। तो इसमें क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। म्यू आर जो होगा, देखिए आप यहां पे जो यहां पे होगा म्यू आर जो है आपको मिलेगा, इसी रिलेशन से आप निकाल सकते हो, ध्यान दीजिए, जो म्यू आर होगा दैट इज ग्रेटर देन 1, बट हमने एप्सिलॉन क्या बोला था, 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, ठीक है। चलिए 1 प्लस 1 कर देते हैं, तो ये 2 से और 2 और 1 के बीच में रहेगा, मतलब 1.56 1.57 इतना। तो इसका मतलब ये मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन इसकी जो मैग्नेटाइजेशन का जो जो वैल्यू है दैट इज वेरी लेस। समझ आ रहा आपको? तो इन ये दो रिलेशन जो है ना, इन दोनों के ये आप दिमाग में बहुत अच्छे से रख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो आते ही है, ठीक है। तो आप इजीली इसको यदि समझ पा रहे हो, इसका मतलब समझ पा रहे हो, तो आपको बहुत आसानी होगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और कुछ अलग प्रॉपर्टीज मैं बताता हूं आपको कि टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी भी होती होंगी इसकी। अब कोई भी मटेरियल है, सिंपल सी बात है, उसको कुछ टेम्परेचर दोगे तो कुछ बिहेव करेगा, और डिफरेंट टाइप का मटेरियल है तो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होंगे। सो तो उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि हम उसको मैग्नेटाइज, ये जो आप सोलेनॉइड से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रहे हो, यदि वो क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या इफेक्ट होगा, जो तो क्या होगा इसमें, फीबली मैग्नेटाइज अलोंग द अप्लाइड फील्ड। क्या होगा, फीबली मैग्नेटाइज तो होगा, मैंने अभी बताया मैग्नेटाइज तो होगा, लेकिन फीबली मैग्नेटाइज, फीबली मतलब बहुत ही कम मैग्नेटाइज होगा। जैसे ये 100 था तो ये हो सकता है 10 हो या फिर 20 हो, है ना, 10, 15, 20, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता, बहुत रेयर कंडीशन होगी कि उससे ज्यादा हो। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी आप समझो, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है किसके कारण, मैग्नेटिक मोमेंट के अलाइन होने के कारण। कौन कर रहा है अलाइन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कर रही है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब डायमैग्नेटिक में ऐसा क्या किया, तो ये फेबली मैग्नेटाइज होता है, लेकिन अभी मैंने बताया था
कि जो आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वो क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। आप मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रहे हो बी नॉट, लेकिन जो मैग्नेटाइजेशन बीएम जो है वो किधर जनरेट हो रहा है, बीएम इज जनरेटिंग इन दिस साइड। मतलब जो ये डायपोल मोमेंट आपको जो दिख रहे हैं दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो क्या करेगा इस नेट मैग्नेट, ये जो बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोवाइड करा रहे हो इसको क्या करेगा, ये माइनस कर देगा, कुछ डिक्रीज कर देगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि फ्रीली मैग्नेटाइज अब हाँ टू अ मैग्नेटिक फील्ड और रिपेल्ड बाय इट। तो चलिए एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको। सपोज करिए हमने एक ऐसा कोई फ्लूड लिया या फिर ऐसा कोई मटेरियल लिया, सपोज करिए मैंने एचजी को लिया दैट इज मर्क्यूरी। अब आपने सपोज करिए इस फनल में मर्क्यूरी को लिया, आपने यहां पे क्या किया मैग्नेटिक फील्ड दिया, आपने यहां पे क्या किया मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो क्या होगा यदि ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक ही है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिहेवियर कैसा करेगा, ठीक है। तो ये बिहेवियर कुछ इस तरीके से, जैसे आप इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक्सपेल्ड, मैंने क्या बोला फीबली मैग्नेटाइज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड और रिपेल्ड बाय इट, रिपेल्ड बाय इट, ठीक है। तो यदि आपने यहां तक भर के उसको दिया था, ठीक है, तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड से वो दूर जाने की कोशिश करेगा, क्या करने का, जैसे आपने यहां पर तक दिया था ना, तो ये क्या होगा यहां से हट के कहां पे आ जाएगा इधर, और इधर का जो था सपोज करिए पहले यहां तक था तो ये बढ़ के इधर तक पहुंच जाएगा। मतलब इस रीजन को वो क्या करेगा छोड़ने का प्रयास करेगा, कौन से रीजन को, मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वहां उस रीजन को छोड़ने का प्रयास करेगा, कौन डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्लियर। तो इसका एक प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है कि इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस मटेरियल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता, मतलब कि वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल। इतना समझ में आ गया, तो कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन यदि इसी के केस में इसी फनल में कोई ऐसा हम मटेरियल डालें, सपोज करिए हम कौन सा मटेरियल डाल रहे हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल डाल रहे हैं, तो हो सकता है कोई एग्जांपल हम अभी डिस्प्ले कराएंगे, एग्जांपल्स इसके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के एग्जांपल डिस्प्ले होंगे आप उसमें देखिएगा, और उसका हम सपोज करिए कोई सा एक मटेरियल हमने रख लिया यहां पे जो कि किसका कैसा बिहेवियर करता है पैरामैग्नेटिक टाइप का। तो कैसे समझेंगे कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करता है, प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि यह क्या होगा फीबली मैग्नेटाइज होगा अलोंग द फील्ड, है ना। तो आपने सपोज तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां दिया और आपने पहले कहां से कहां तक भरा हुआ था, सपोज करिए यहां तक भरा हुआ था, ठीक है, आपने कोई मटेरियल जो है यहां तक भरा हुआ था, ठीक है, फ्लूइड के फॉर्म में मैग्नेटिक मटेरियल। तो इस फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण क्योंकि ये क्या करता है फीबली मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज होता है किसी डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, लेकिन कम मैग्नेटाइज होता है। तो जो पहले यहां तक वैल्यू थी और इसकी वैल्यू यहां तक थी, ठीक है, क्या होगा जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड दोगे इसका जो ये लेवल है थोड़ा सा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये यहां तक पहुंच जाएगा और ये इसकी वैल्यू जो है कुछ यहां तक आ जाएगी, समझ आ रहा हो। तो ये क्या कर रहा है मैग्नेटिक जो वीकर से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है लेकिन कम पसंद करता है ना। जैसे कोई सब्जी आप खाते हो कोई चीज ज्यादा पसंद है एकदम तो वो एकदम से खा लेते हो, कोई चीज कम पसंद है तो उसका, है ना। तो इसको भी क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए उसको पसंद है लेकिन कम पसंद है। करेले की सब्जी खाते हो ना, करेले कई लोग को पसंद होती है कई लोग कम पसंद होती है ना। तो उसी तरीके से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जो मैग्नेटिक फील्ड उसको आप दे रहे हो वो कम पसंद है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब जैसे अब सपोज करो सर तो फेरोमैग्नेटिक में कुछ ऐसा क्या होता होगा, कुछ अलग होता है क्या इसमें, चलो मैं बताता हूं क्या होता है। अब यहां पे आपने फनल लिया और इसमें कुछ आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया, तो फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, देख क्या बोल रहा है स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन द अलोंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ऑलराइट। तो ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होता है किसके केस में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में। तो आपने सपोज करो यहां तक आपने क्या दिया था कोई फ्लूइड इसको दिया और उसका बिहेवियर कौन सा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर ये रखता है, क्या होता है प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मोमेंट किसकी तरफ ज्यादा अलाइन होता है, मैक्सिमम अलाइनमेंट किसकी तरफ होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अलोंग। तो यदि आप मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रहे हो
तो इसी की तरह डायरेक्शन क्या होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे, अलाइन होने की कोशिश करेंगे, किसके, मैग्नेट के, क्लियर, मटेरियल के। तो यदि आप ये क्या होगा, यदि स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो रहा है तो ये क्या करेगा, वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जाने को पसंद करेगा, मतलब ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है, उस एरिया को पसंद करता है जहां पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। तो इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किसकी तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा, इधर जहां पे ज्यादा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस रीजन में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ज्यादा से ज्यादा आपका मटेरियल जो होगा, एटम्स होंगे, इधर अलाइन होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सपोज ये लेवल खिसक के इधर आ गया, तो आप ध्यान रखिएगा, इट इज स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज, इट मैग्नेटाइज बट वीकली मैग्नेटाइज, और ये क्या करता है, ये रिपेल करता है, एक्सपोज करता है, इसको पसंद ही नहीं करता है, क्लियर है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे इस दुनिया में मटेरियल्स हैं भैया कि जो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया था, है ना, जो हमने एक्सप्लेनेशन इसको लाया था, इसको मैंने समझा दिया कि एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, क्लियर। अब देखते हैं, चलिए फोर्थ वाला, हम इसकी ससेप्टेबिलिटी देखते हैं कि यदि हम बोलते हैं कोई मटेरियल ससेप्टेबल है, तो मतलब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रहे हो तो उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट है मटेरियल का वो किस डायरेक्शन में लाइन हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अलोंग, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ टेम्परेचर दिया, सपोज करो कोई डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स है, हमने क्या किया उसको टेम्परेचर देना चालू किया, तो हम देखते हैं कुछ अलग बिहेवियर करता है क्या, यस। तो हम इसको देख पा रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है इसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाना चालू किया, उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स किसके अंदर, मटेरियल के अंदर, वो क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंट होने की कोशिश करने लगेंगे, किसकी वजह से, दिस टेम्परेचर, दिस थर्मल एजिटेशन के कारण। तो यदि मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन नहीं हो पाएंगे किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या होगा, आपको नेट मैग्नेटाइजेशन नहीं मिलेगा या फिर कम होने लगेगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आपका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी मटेरियल का वो डिक्रीज होना चालू कर देगा, क्लियर। एक ऐसा टेम्परेचर आपको मिलेगा जहां पे एकदम उसका मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी मटेरियल की वो खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो। तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दिस साई एम, तो आपकी जो ससेप्टेबिलिटी है किसी भी मटेरियल की दैट इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, क्लियर बात समझ आ गई। और लेकिन एक चीज आपको यहां पे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओ उसको डायमैग्नेटिक मटेरियल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन इसका जो है दिस इज कॉल्ड क्यूरी लॉ, बट हियर दिस इज कॉल्ड क्यूरी वैस लॉ, दैट इज फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्लियर। तो इसमें भी वही चीज है, this is called a Curie temperature, all right? So this psi m is inversely proportional to 1 by T minus TC, ठीक है, जहाँ पे T is greater than TC है, clear? ये भी temperature के inversely proportional करता है, हर एक material का एक Curie temperature होता है, so you will see in मतलब आप उसको आगे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, अभी मैं इसको समझा रहा हूँ। Variation of I with H, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप दे रहे हो एच, उसमें मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है ना, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक जो होता है वो लिनियरली चेंज होता है, क्या होता है, उसमें जो आई वर्सेस जो आप एच खींचोगे है ना, जो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो रहा है मटेरियल में और जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस में, तो उससे क्या बिहेवियर हो रहा है इसमें, तो दैट इज ये लिनियरली चेंज होता है। ये क्या होता है, एक लो टेम्परेचर पे क्या होता है, देखिए लिनियर, ये भी लिनियर चेंज होता है इसमें, है ना, एंड सैचुरेबल लो टेम्परेचर में क्या होता है, वो सैचुरेशन आने लगता है, क्लियर। और इस केस में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में नॉन लिनियर चेंज होता है इसमें, है ना, अभी देखने को मिलेगा, मैं अभी कुछ डायग्राम से शो करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको ये पूरा ये समझ में आएगा, नॉन लिनियर चेंज एंड अल्टीमेटली अटेन्स सैचुरेशन, इसमें भी सैचुरेशन होता है लेकिन ये स्टार्टिंग में नॉन लिनियर शो करता है। इसको मैं अभी और अच्छे से क्लियर समझा दूंगा आपको, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया तो इन सब्सटेंसेस में क्या चेंजेस होंगे, आप उसको देखिए। तो ये क्या करेंगे, मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, मैंने पहले ही बताया कि ये वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जाते हैं और ये स्ट्रॉन्गर टू वीकर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते,
इसको मैंने बताया था, ये क्या करते हैं, मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या होता है, वीक से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड और हाईली मैग्नेटाइज होते हैं। क्लियर, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप देखो इसको, है ना, जो मैंने फनल में भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को डाल के समझा रहा था, उसमें ये मटेरियल्स डालोगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करेंगे, ये मटेरियल डालोगे तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एलनिको याद रखो कि एल्यूमिनियम निकेल कोबाल्ट ये फेरिक, है ना, Fe2O3, ये सब जो है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसकी तरीके इसकी प्रॉपर्टी जो दी हमने बताया है उस तरीके का व्यवहार करते हैं। क्लियर, तो आप ये जो मटेरियल्स हैं कुछ आप इसको ध्यान में रखिए कि, है ना, लेड H2O, NaCl, बिस्मथ, कॉपर, सिलिकॉन, है ना, Sp, दिस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर, है ना, क्लोरीन, Al, तो दिस इज, आप यहां पे Al लिख दो, Al इसमें नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। When you provide a magnetic field to these substances, they show different properties as prescribed in this table. Please read it carefully, and it's a very important table. You may get in your exam as well. है ना? आप तीनों को एक ही बार में समझ पाएंगे और तीनों की comparative study कर पाएंगे. Clear? So that's why I made this table to let you understand more accurately. So that's the thing that I wanted to tell you. As I told you students about the ferromagnetism in the previous table, let us study in the more broad manner. Right? So, क्योंकि इसका जो behavior है something different kind of behavior है और इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये आप susceptibility क्या मैंने जैसे उसमें बताया था, susceptibility is inversely proportional to T minus Tc. This is the Curie temperature. All right? These are the Curie temperatures of the different kind of materials. These are the ferromagnetic materials. All right? So Curie temperature is that temperature after which your ferromagnetic material will be converted into the paramagnetic material. Clear? एक ऐसा temperature that is Curie temperature जिसके बाद वो ferromagnetic material आपका किस behavior करना कैसा behavior करने लगेगा? Paramagnetic material की जैसे behavior करने लगेगा. So these are the Curie temperatures for the some of the materials. जैसे कोबाल्ट का 13,1394 केल्विन है, वैसे आयरन का है ना Fe2O3, निकेल है ना, एंड दिस इज आल्सो गैडोलिनियम, तो इन सब का देखिए आप क्यूरी टेम्परेचर है, जैसे इस टेम्परेचर के आप पहुंचोगे केल्विन स्केल में, है ना, तो ये आपका जो मटेरियल्स हैं वो किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक। तो इसको क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को इसको बोलते हैं फेज ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं, एक फेज से दूसरे फेज में शिफ्ट होना, दैट इज फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक, तो दिस इज कॉल्ड द फेज ट्रांजिशन। क्लियर, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट फेज ट्रांजिशन, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर्स होंगे क्यूरी टेम्परेचर्स के, और उसके बाद वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा उस टेम्परेचर के बाद। क्लियर, सो दिस इज योर क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, आपको क्या करना, और जहां पे आप टेम्परेचर जो होगा ओरिजिनल टेम्परेचर, दैट इज टी इज ग्रेटर देन टीसी। क्लियर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस साइज डिपेंडिंग ऑन दिस टेम्परेचर फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन इसका बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, इसको समझिए प्लीज। देखिए, जैसे दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड आर यू गेनिंग, जैसे हम क्या करते थे, किसी भी सोलेनोइड को लिया करते थे ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, और इसमें क्या किया हमने, ये हॉलो सोलेनोइड में हमने इसमें एक मटेरियल डाला करते थे, तो कोई भी आपका मटेरियल है जो फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी हो, जिसमें जो वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड आए, जैसे मैंने प्रीवियस टेबल में बताया कि जिसकी जो जो प्रॉपर्टी है ना, ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होने वाला मटेरियल होता है। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जिसमें इसमें जो एटम्स होते हैं उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इजिली अलाइन हो पाते हैं किसके डायरेक्शन में, जो आप मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रहे हो। क्लियर है, तो उसमें आपके जो मैग्नेटिक मोमेंट है एटम्स को, वो इजिली अलाइन हो पा रहे हैं, जिसको बोलते हैं डोमेन्स। क्लियर, तो डोमेन्स कैन इजिली अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट, आप इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट होगा तभी तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जनरेट होगी, तो दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्रिएटेड बाय सोलेनोइड एंड दिस इज मटेरियल, है ना, आपका मटेरियल यहां पे अंदर रखा हुआ है इसके सोलेनोइड के, तो इसके जो एटम्स हैं उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसकी डायरेक्शन में अलाइन होना चालू कर देंगे, स्ट्रॉन्गली अलाइन होना चालू कर देंगे किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन, तो कुछ इस तरीके से उसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होने लगेगा किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में, तो आपका नेट जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो जितना आप दे रहे हो, है ना,
उससे ज्यादा मिलने लगेगा, दैट इज बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम। क्लियर है इतना? तो ये जितना ज्यादा होता जाएगा आपकी ये टोटल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक जो मटेरियल करंट हो रहा है, कारण हो रहा है, और एक जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो करंट आप सोलेनोइड में दे रहे हो, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे ना सोलेनोइड में, वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसको बोल रहे हैं, वो बढ़ती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो आपका इसमें भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट उत्पत्ति से लाइन होने लगेगा। क्लियर? तो इसका बिहेवियर इससे कैसे समझेंगे आप, इस डायग्राम से समझेंगे कैसे, जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हो, देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब इसकी करंट आप बढ़ा रहे हो, इसकी सोलेनोइड की करंट आप बढ़ा रहे हो, तो उससे मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक जो करंट कारण जनरेट होती है, आपको पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था, आप समझिए उसको, तो उससे मैग्नेटाइजिंग फील्ड जनरेट होना चालू हो गई। वो किसको इन्फ्लुएंस करेगी, इस मटेरियल को, और मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके डोमेन्स किस तरीके से अलाइन होंगे। क्लियर? तो जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हो, इसको बी नॉट को बढ़ा रहे हो, ठीक है, समझ लो किसके कारण, के करंट के कारण। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपने डाला हुआ है इसमें, तो जैसे जैसे आप देखिए दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और ये जो बी है ये मैग्नेटाइजेशन जिसमें क्रिएट हो रहा है मटेरियल में, जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो रहे हैं उसके कारण जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो बी है, ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल। तो जैसे जैसे आप इस एच को बढ़ाना चालू कर रहे हो, दिस इज एच है ना इंक्रीजिंग, वैसे वैसे इसके डायपोल्स किसके अरेंज होते जाएंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो क्या होगा, एक नेट मैग्नेटाइजेशन जो ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, आप तो ये दे ही रहे हो, ये भी बढ़ता जाएगा, जब ये बढ़ता जाएगा तो इसका जो स्लोप है कुछ इस तरीके से बढ़ता जाएगा, जो आपका बी है ना बढ़ता जाएगा, दिस इज बी नॉट, ऑलराइट, आप इसको बी नॉट ले लो क्योंकि आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रहे हो, ठीक है। तो आप एक बात समझना, अच्छे से समझ लेना कि ये तो इतना मामला समझ आ गया होगा। अब देखिए इसको हम कैसे समझते हैं, जैसे जैसे आपने एच को बढ़ाया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाया, किसकी मतलब इसकी करंट बढ़ाया, तो आपका ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ता गया, उसके कारण जो मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन है वो भी क्रिएट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो मैग्नेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी, ये बी की मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, स्मॉल एम। तो एक बार ध्यान रखिएगा, ये नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट से वो अलाइन होना चालू कर देंगे जैसे जैसे आप एच बढ़ाते जाओगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब कि उसके बाद उसका मैग्नेटाइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब कि जो डायपोल्स हैं, जो ये डोमेन्स हमने नाम दिया इसको, वो एक ही डायरेक्शन अलाइन हो चुके होंगे, तो उसके बाद ज्यादा अलाइन नहीं हो पाएगा ना, तो उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे आपका एक सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा। क्लियर है? जहां तक आप मैक्सिमम मैग्नेटाइज कर सकते हो, मैक्सिमम डोमेन्स का अलाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आप एच को रिड्यूस करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है अभी, जैसे जैसे आप एच को रिड्यूस करोगे, करंट कम करोगे, तो ये क्या होगा, इसका जो मैग्नेटाइजेशन है, जो आपका मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन हुआ है, डोमेन्स जो उसमें अलाइन हो चुके थे, वो मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करने लगेगी, है ना, वो रैंडमली ओरिएंट होने की कोशिश करने लगेगी जैसे जैसे आप एच हटाओगे, तो एक सर्टेन एक्सटेंट तक आप यहां तक पहुंचोगे, तो आप यहां पर देख पा रहे हो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि यदि आपने एक बार इसको क्या कर दिया, अलाइन कर दिया इसके डोमेन्स को, तो जब आप रिवर्स फील्ड दोगे उतने ही, है ना, इस नोड तक, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि उस मटेरियल में अभी भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट कर रहा है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जबकि आपने कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं दिया हुआ है, एक बार दे दिया था उसको, उससे फिर वापस ले लिया आपने, ठीक है। तो इससे एक चीज समझ आई, देर इज समथिंग इन द मटेरियल, समथिंग डिफरेंट, तो उसमें ऐसा क्या है, ऐसा ये है कि उसमें जो मैग्नेटाइजेशन एक बार जनरेट हुआ था, आप जब इसको घटा रहे थे एच को, तो उसमें एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक तो कम हुआ, लेकिन उसके बाद वो कम नहीं हो रहा, मतलब कि कुछ इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसके डोमेन्स पूरी तरीके से मिसअलाइंड फिर से नहीं होंगे जैसे पहले थे, एक बार अलाइंड हो गए तो हो गए, कुछ हद तक वो यहां तक, कुछ रेंज तक कुछ डोमेन्स अलाइंड मिसअलाइंड हो सकते हैं, लेकिन
इसमें में अभी भी एक नेट मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन होगा। इसको क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। इसको बोलते हैं रेमिनेंस। ये जो आपको देख रहा है ये यहां से यहां तक आप यहां से ले गए थे लेकिन यहां पे आके रुक गया, बोलता है भैया नीचे नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो रीजन है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। मतलब कि जो उसके डोमेन्स हैं वो फिर से मिसअलाइंड नहीं होंगे, एक बार अलाइन हो गए तो हो गए। ठीक है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ये फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए, आपका मटेरियल्स के जो डोमेन्स अलाइन हो चुके हैं डायरेक्शन में, उसको हम चाहते हैं फिर से जैसे थे पहले वैसे हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक रिवर्स फील्ड देना पड़ेगा। रिवर्स फील्ड मतलब कि आप पहले इस डायरेक्शन में फील्ड दे रहे थे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अब आपको इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड देना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये जो डोमेन्स थे जो स्टेबल हो चुकी थी एक डायरेक्शन में, वो क्या होंगे? फिर से इस पॉइंट तक आने की कोशिश करेंगे, और इस रीजन को बोलते हैं कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी क्लियर है? तो जो यहां से यहां तक का रीजन है बीसी रीजन, जब आपने रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया तो इसका जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो चुका है उसको जीरो करना है, फिर से हमको एकदम ग्राउंड पे लाना है, तो हमको एक रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड देना पड़ेगा। तो हम कहां पहुंच गए? सी। तो उस जितना अपन ने यहां से यहां तक काम किया रिवर्स फील्ड दिया, उसको क्या बोलते हैं? कोएर्सिविटी। क्या बोलते हैं? कोएर्सिविटी। अब फिर से क्या होगा, आप रिवर्स फील्ड देते जाओ, पहले आप इस डायरेक्शन में फील्ड दे रहे थे, इस तरीके से अलाइनमेंट हुआ था, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होंगे रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन होना चालू हो जाएंगे। तो ये यहां तरीके से फिर से यही कंडीशन आएगी, सैचुरेशन, रिवर्स डायरेक्शन में सैचुरेशन आएगा, फिर से वही उच्च कंडीशन होगी। आप फिर से इसे एक जिस तरीके से यहां पे आपको रेमिनेंस मिला था वैसे यहां पे रिटेंटिविटी मिलेगी इस रीजन में, उसके मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो चुके होंगे, और यदि आपको फिर से उसके ओरिजिनल स्टेट में लाना है फिर से यहां पे कोएर्सिविटी होगी, रिवर्स कोएर्सिविटी है ना, तो फिर से एक कोएर्सिविटी का टर्म आएगा, फिर से एक रेमिनेंस का टर्म आएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। पहले आप डायरेक्शन क्या था? एच का इस था, ऐसा था, और इस इधर रीजन की बात कर रहे हो तो आपका डायरेक्शन एच का कैसा हो गया? ऐसा। फिर से आप क्या दोगे? फिर से यहां पे आपको एक रिटेंटिविटी मिलेगी रिवर्स डायरेक्शन में, फिर से यहां से आप कोएर्सिविटी डालोगे, फिर से निशा... तो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया, फिर से वो एक कंडीशन जाया, फिर से आपने रिवर्स फील्ड दिया, फिर से है ना, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसको हम एक परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। कौन सा मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि आपने एक बार उसमें मैग्नेटाइजेशन जनरेट कर दिया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपने जनरेट कर दिया, उसके बाद उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं होती, वो मैग्नेटाइजेशन में एक बार हो गया तो हो गया। ठीक है, तो उसको यदि आपको खत्म करना है तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? तो एक बार मैग्नेटाइजेशन यदि आपको फेरोमैग्नेटिक में हो गया तो हो गया, आप उसको घटाना है तो आपको रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। क्लियर बात हो गई? और जो आपको पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसमें कुछ ऐसा केस नहीं है, वो क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। कौन से? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जब तक आप उसमें करंट दोगे तब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट रहेगी, जैसे ही आप करंट हटाओगे सोलेनोइड से तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड खत्म हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा? उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। कौन से? पैरामैग्नेटिक में। लेकिन इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे, जैसे जितना आपने दिया था उतना हटाओगे तो इसमें खत्म नहीं हो रहा, इसमें एक परमानेंट मैग्नेटिज्म जनरेट हो चुका है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन एक किसी क्यूरी टेम्परेचर पे ये फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज 1.2 × 10⁵. एट दिस इज क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो इसमें कोई यूनिट नहीं है, सो एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बिकम दिस 1.44 × 10⁵. तो आपको ऐसा टेम्परेचर निकालना है जिसमें आपके ससेप्टिबिलिटी क्या हो? ये हो। तो चलिए ठीक है, हमको एक रिलेशन पता है, दैट इज साई एम इज इक्वल्स टू, इसको अच्छे से बना लेते हैं, साई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, पता है
सही में किसी टेम्परेचर टी पे यदि हम देखें तो इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हम इससे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हमको दिया है 300 केल्विन पे, एट 300 केल्विन तो दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ठीक है कैंसिल कर देंगे अपन, तो सी बाय एक, चलिए हम कांस्टेंट को हटा देते हैं तो सी आएगा एक, तो सी बाय टी वन, ठीक है। तो यहाँ पे टी वन की वैल्यू अपने को पता है दैट इज 300 केल्विन, दैट इज 300 केल्विन। ऑलराइट, नाउ किसी टेम्परेचर टी पे हमको क्या दिया है, ससेप्टिबिलिटी क्या दिया हुआ है, ससेप्टिबिलिटी हमको दिया हुआ है दैट इज 1.44, 1.44 इंटू 10 की पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, टी टू निकालना है, इसको हमने टी वन दिया, तो टी वन की हमको वैल्यू पता है, ये अपना फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो टी वन इक्वल्स टू हमको दिया 300 केल्विन, उसका हमको ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी हम देख लेंगे दिया हुआ है, तो ससेप्टिबिलिटी लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 की पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है। हमको मेन हमारा उद्देश्य क्या है, टी टू को निकालना कि किस टेम्परेचर पे हमारा ससेप्टिबिलिटी ये होगा, ठीक है। तो चलो डिवाइड कर देते हैं अपन, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको सेकंड इक्वेशन दे दो, तो ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दोगे 1.2 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 1.44 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल्स टू सी बाय 300 सी बाय टी टू, ठीक है, कॉन्स्टेंट कैंसिल, ठीक है। तो दिस टी टू गोज अप, दिस टी टू विल गो अप एंड यू विल हैव 1.2 इंटू 10 की पावर 5 और यहां पे 1.44 इंटू 10 की पावर 5, इसको तो कैंसिल ही कर दो, ठीक है, हटा दो इसको, और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों, दैट इज टी टू अपॉन 300, क्लियर है इतना। यदि हमको टी टू निकालना है तो आप कुछ इसको देख पा रहे हो, चलो यहां पे एक जीरो रख देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 12 वन जा 12 इंटू 12 होता है 144, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमको अब देखिए क्या निकालना है, ये 300 को इधर करो, टी टू इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 12 टू जा 24, 6 आया, 5 जा 0, सो टी इज इक्वल्स टी टू इज इक्वल्स टू व्हाट, टी टू इज इक्वल्स टू 250 केल्विन, मतलब एक टी टू टेम्परेचर इसका 250 केल्विन है, तो उस टेम्परेचर पे आपका ये जो साई एम आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो उसका टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे आपका ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा 1.44 इंटू 10 की पावर 5। तो आप इजिली सिंपल से एक्सप्रेशन से कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कैसे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यदि आपको टी दिया है तो ससेप्टिबिलिटी निकाल लो, ससेप्टिबिलिटी दिया है तो टी निकाल लो, है ना। तो आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो।